Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास है ओप्पो का A17K, इस फोन में आपको एप्स हाइड करना है तो किस तरह से इस फोन में एप्लीकेशन को आप हाइड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन की जो सेटिंग रहेगी इसको ओपन कीजिए। स्क्रॉल करके जब आप नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे हाइड एप्स का एक ऑप्शन अवेलेबल है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिंपल एक ऐप लॉक वाला पासवर्ड सेट कर लेना है, जिसके बाद आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। तो कौन सा एप्लीकेशन फ्रेंड्स आपको हाइड करना है यहाँ आके आपको वो सेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से जैसे कि क्रोम हाइड करना है इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, मतलब यहाँ पे एक एक्सेस कोड आपको बनाना रहता है। तो सेटिंग पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करके बाद यहाँ पे आप एक अंक से लेकर 16 अंक तक का कोई भी एक्सेस कोड बना सकते हैं। एक्सेस कोड में आप हैश टाइप कर सकते हैं, 0 से लेकर 16 अंक तक का कोई भी कोड बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2580, ठीक है, इस तरह से मैं डाल देता हूँ, जिसके बाद आपको फिर से ही यहाँ पे हैश टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये आइकन, इस पर क्लिक करना होगा तो आपका ये एप्लीकेशन हाइड हो जाएगा। अब सिंपल किसी भी एप्स को आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ आने के बाद इस तरह से उसको इनेबल कर दीजिए तो वो एप्स आपका हाइड हो जाता है। अब इनको एक्सेस करने के लिए, मतलब यूज करने के लिए जो एप्लीकेशन आपने हाइड करके, तो उनको यूज करने के लिए जो आपका डायलर रहता है यहाँ पे आइए और जो भी आपने वहां पे कोड बनाया था, जैसे आप इसको यहाँ पे लगाएंगे हैश टाइप करेंगे, आपके सामने हिडन एप्स आपको देखने को मिल जाएंगे।